अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी से आलू भरी कचौरियाँ। बहुत ही यूनिक स्टाइल में इनको प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 कप ऑयल। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल में मैदा स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथों पे अच्छे से क्रश करके ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट, 1/4 कप ऑयल में से 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और बाकी का हाफ ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करके इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। इसका डो हम सेमी सॉफ्ट प्रिपेयर करेंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। देखिए डो प्रिपेयर हो गया है। की सरफेस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, कवर करके इसको 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे आलू की स्टफिंग। इसके लिए चाहिए हमें 2 अदद बॉयल मैश पोटैटोज, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धरधरा कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्चे, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना, 1 मीडियम साइज का प्याज है इसको मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। पैन में लेंगे ऑयल, इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी, धरधरा कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को। अब ऐड करेंगे इसमें बॉयल मैश्ड पोटैटो। अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, पुदीना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारी मज़ेदार आलू की स्टफिंग तैयार है। बोल में ऐड करेंगे हाफ ऑयल जो हमने स्टार्ट में बचा लिया था। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च। इसकी हम स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए ये तैयार है। 20 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन और डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक दफ़ा हाथों से अच्छी तरह से फिर से नीट करेंगे। देखिए इस तरह से, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसके हम 6 से 7 अदद एक साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। इसके हम पेड़े प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए मैंने सब तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। जैसा हम चपाती बनाने के लिए बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको बारीक बेल लेंगे। देखिए इसको मैंने बेल लिया है। देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे पेड़े बेल लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने सब बेल ली हैं। सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे। और ये जो हमने स्लरी प्रिपेयर की है इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस पे डस्ट करेंगे हम मैदा। अब हम इस पे दूसरी लेयर रखेंगे।
सेम प्रोसेस करेंगे अगेन, स्लरी स्प्रेड करेंगे एंड देन मैदा स्प्रेड करेंगे, और सेम प्रोसेस हम करेंगे इन तमाम लेयर्स के साथ। दोनों तरफ हम मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम एक दफ़ा फिर से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेंगे अच्छे से। अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइटली रोल करेंगे हम, इसके अंदर किसी किस्म की एयर ना रहे। इस तरह से रोल करते जाएंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए इस तरह से हम इसको टाइटली रोल करेंगे। अब हम इसके साइड्स कट कर देंगे, इनको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इनसे हम नमक पारे बना लेंगे। अब हम एक ही साइज के छोटी छोटी बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कितनी सारी इसकी लेयर्स बनी हैं। इसी तरह से मैं बाकी सब कट कर लूँगी। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, इसको हम बेल लेंगे, हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। एक और पेड़ा लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। अब इसके सेंटर में रखेंगे हम स्टफिंग आलू की जो हमने प्रिपेयर की है, और इसके साइड्स पे हम पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये कचौरियाँ मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से जिस तरह से हम गुजिया की साइड्स फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड कर दें। ये देखिए इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, सेम प्रोसेस करते हुए दोनों पेड़े हमने बेल लिए हैं, सेंटर में हमने स्टफिंग रखी है, पानी लगा के इसके ऊपर इसका सेकंड पार्ट रख देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम एक फोक की हेल्प से इसके साइड्स प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से साइड्स प्रेस करने के बाद अब हम एक स्टिक की हेल्प से इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये एक खूबसूरत से फ्लावर का शेप ले लेगी। ये देखिए इस तरह से। ये आसान तरीका भी है और ख़ूबसूरत भी है, इससे हमारी कचौरियाँ बहुत खूबसूरत बनेंगी। आपको जो तरीका सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कचौरी बनी है। इसी तरह मैं बाकी भी सब बना लूँगी। देखिए मैंने सब प्रिपेयर कर ली हैं, क्लिंग रैपिंग शीट से मैंने इसको रैप कर दिया है ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। इनको ऑयल में ऐड करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको टर्न कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इन पे कितना खूबसूरत कलर आया है, और देखिए किस कदर खिली खिली इसकी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, बाकी सब भी निकाल लेंगे। देखिए कितनी सारी लेयर्स इस पे बनी हैं। इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी आलू भरी कचौरियाँ तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस देखिए आज हमारे घर में कितनी यमी सी आलू भरी कचौरियाँ बनाई गई हैं और ये कितनी खूबसूरत हैं। फ्लावर्स देखिए आप ज़रा इसके, वाह भाई वाह, क्रिएटिविटी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं ये। सो गाइस दिखने में इतनी खूबसूरत है तो टेस्ट में कैसी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कचौरियाँ कैसी बनी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, इतनी क्रिस्पी क्रंची,
देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय लॉर्ड, इट्स अ वंडरफुल रेसिपी यार। क्या टेस्ट है यार इसका। और सबसे ज्यादा क्रंची कितनी है, कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर। और आलू की स्टफिंग गाइस, वो इतनी टेस्टफुल, मैं कहती हूँ एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल आलू की जो स्टफिंग है वो इसके अंदर है। इतने सारे फ्लेवर्स, बहुत मजा आया खा के गाइस। इट्स अ वंडरफुल रेसिपी, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बेहतरीन रेसिपी है, यकीन जानिए इतना मजा आएगा ये, जब आप चाय के साथ खाएंगे, स्नैक्स के तौर पे खाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।